आपको इस चैनल पर डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रैटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। दिस इज आदर्श गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पॉलिटेक्निक के ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप बी को लेकर आपके जितने भी डाउट्स थे, यानी कि ग्रुप बी में कौन सा कोर्स आता है, और साथ में ग्रुप बी को मैं पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा और हम ये बात करेंगे कि उसमें कोर्स ड्यूरेशन क्या है और साथ में उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें कौन कौन से जॉब्स टाइप्स हैं, यानी कि इसे करने के बाद आपको किस तरीके की जॉब्स मिल सकती है, और साथ में मैं आपकी सैलरी की बात करूंगा एंड और मैं आपके ये भी बात करेंगे कि हम इस दिल्ली पॉलिटेक्निक में ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको इस कोर्स को कंडक्ट करवाता है, और साथ में मैं आपको इसका फ्री पूरा 3 ईयर का जितना भी सिलेबस होता है उसको पूरा ढंग से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं आपको किस तरीके से बताऊंगा ये मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये बात करते हैं कि मैंने आपकी जितनी भी थी कोर्सेज मॉडर्न ऑफिसर प्रैक्टिस, तो किसी ने कोई भी वीडियो ढंग की नहीं डाल रखी, लेकिन मैंने क्या करा है आज इसको पूरे ढंग से एनालाइज करके एक मैंने PDF बनाई हुई है, उस PDF में मैंने आपको सब कुछ शो कर रखा है। तो करेंगे क्या हम अभी, मैं आपको अपने फ़ोन की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पर मैं ये सारे कोर्सेज को ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। फाइनली हम आ गए अपने फ़ोन की स्क्रीन पे, मैं यहाँ पे आपको पूरा कोर्स का डिटेल आपको ढंग से शो करूँगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ दिल्ली पॉलिटेक्निक 2020। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो ग्रुप बी है आपका वो किसके बेस पर है, कौन सा कोर्स होता है उसमें, उसमें होता है आपका मॉडर्न ऑफिसर प्रैक्टिस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है कौन सा कोर्स होता है, मॉडर्न ऑफिसर प्रैक्टिस। अब ये कोर्स का है आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा तो मैं इस कोर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अब जो नेक्स्ट डाउट है आपके मन में वो है व्हाट इज़ मॉडर्न ऑफिसर कोर्स, तो ये कोर्स है क्या, इसमें हमें क्या क्या सिखाया जाएगा। तो देखिए ये जो कोर्स है वो मेनली डील करता है आपका, आपको आपका पहला चीज़ जो होगा फोकस किया जाएगा इसके ऊपर कि आप क्या कर लें मैनेजिंग ऑफिसर ऑफिस डॉक्यूमेंट, यानी कि ऑफिस में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको मैनेज करना सीख जाएं आप। ठीक है, जैसे आपकी मैनेजिंग फाइल एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, मैंने ज़्यादा इसको वास्ट नहीं करा, मैंने आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करी है। और उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग, यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑपरेटिंग ऑफिस इक्विपमेंट, यानी कि ऑफिस में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं जैसे आपका प्रिंटर हो गया, टेलीफोन हो गया, रूट्स हो गए, इन सबको आपको क्या करना आना चाहिए, ऑपरेट करना इसमें इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, और जो इसमें थर्ड चीज़ आपकी है वो है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, इसका मतलब क्या होता है आपकी मीटिंग शेड्यूल करवाना, अपॉइंटमेंट शेड्यूल करवाना, ये सब जो है इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है। ये एक तरीके से मैनेजमेंट का कोर्स है, सिंपल बात ये है। और फोर्थ जो है आपका वो ये है स्टाफिंग, स्टाफ मैनेजमेंट के बारे में आपको सिखाया जाता है। और फिर उसके बाद है आपका इसमें कंप्यूटर स्किल्स भी आपको सिखाई जाती है, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया और कुछ सॉफ्टवेयर्स हो गए, इनके बारे में आपकी पूरी पूरी नॉलेज दी जाती है बेसिक। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, तो ये मेनली इतने चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी जो इसके साथ ये डील करता था। अब मैं बात करता हूँ आपका नेक्स्ट जॉब टाइप, इसे करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। तो देखिए इसमें जो हो सकता है आपको असिस्टेंट प्रोग्रामर की मिल जाए, क्लर्क असिस्टेंट की मिल जाए, और जो आपका थर्ड है वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की मिल जाए। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये सारे आपके जॉब्स इसमें हो गए। और भी देखिए बहुत सारे इसमें आपका ये दे रखा है स्टैटिकल इन्वेस्टर, ठीक है, स्टेनोग्राफर और आपके वर्ड प्रोसेसर, तो ये सारे आपके जॉब्स हैं एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए। इसमें इसे करने के बाद आपको इस टाइप के जॉब्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब वो था आपकी सैलरी, हमारी इसमें सैलरी कितनी हुआ करेगी। तो देखो सैलरी में अगर मेन बात करूँ तो ये तो मैंने मिनिमम बताई इतनी होती है आपकी, कितनी 15,000 से 20,000 तक आपकी वेरी कर सकती, हो सकता है इससे मैक्सिमम भी चली जाए, ठीक है, और इससे लो भी हो, तो ये बात आपको ध्यान रखना है इतने के बीच में आपकी होगी या फिर इससे मैक्सिमम या फिर इससे कम स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं बात करूँ कि सैलरी आपके कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है इंक्रीज़ कराने के लिए। तो पहला है आपका जॉब लोकेशन, ठीक है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ की लोकेशन क्या है, जॉब लोकेशन हो गया, ठीक है, और क्या है आपका आपकी प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा सैलरी होगी, आप पे स्किल क्या है, मेन इस चीज़ में आपको ये चीज़ होती है कि आप पे स्किल्स क्या क्या है इस कोर्स के लिए, ठीक है, और क्या आपका एटसेट्रा। तो आपको इस कोर्स में बेसिकली स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्किल बेस्ड ये कोर्स है आपका, स्किल आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और इस कोर्स में आपको सिखाया भी जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है था क्वेश्चन वो ये था कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो देखो किसी भी क्लास 12th आपके कंप्लीट होनी चाहिए आर्ट्स कॉमर्स या फिर साइंस से, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेरे लिए तो मुझे कोर्स लग रहा है ये। उसके बाद आप इसमें कोर्स ड्यूरेशन, तो कोर्स ड्यूरेशन क्या है, पूरे 3 साल का होगा ये कोर्स,
ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कोर्स ड्यूरेशन आपका 3 ईयर का है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसमें थोड़े सिलेबस की। तो देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये मेनली आपका सिलेबस होगा, आप देख सकते हैं, कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन, ई टाइपिंग और इस तरीके की, ये सारे आपके जितनी भी चीज़ेस हैं, ठीक है, जितने भी हैं आपके, वो सब कुछ होगा इसमें। ऑफिस मैनेजमेंट, ये सारे देख रहे हैं आप, ये देख सकते हैं आप। कंप्यूटर, इसमें आपको कंप्यूटर कुछ सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। और जो हो गया आपका, ये देखिए, पर्सनैलिटी एंड ह्यूमन रिलेशनशिप डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी इसके अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे, पर्सनैलिटी, ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, इंटरप्रेनरशिप हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। और ये बहुत ही एक तरीके के बिजनेस आइडिया वाला कोर्स है। अब मैं बात करता हूँ कि किस कॉलेज में है दिल्ली के, तो देखो दिल्ली पॉलिटेक्निक की एक ही कॉलेज में, उसका नाम है आपका भाई परमानंद बिजनेस ऑफ स्टडी, ठीक है, जो कि आपका सकरपुर दिल्ली में है। ये वहीं पे है, एक ही है बस इसका कॉलेज, ठीक है। और अगर मैं इसमें, ये देख सकते हैं आप, उसको इस कॉलेज के कुछ फ़ोटोज़ है ये, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और इसके ये कुछ फ़ोटोज़ दे रखी है मैंने, यहाँ पर सबकी फ़ोटो लगा दी। तो ये आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा इस कोर्स के बारे में। और भी अगर कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मेरे से कमेंट में पूछे, ताकि आप मैं आपको मैं पूरा सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, थैंक यू।